ऑटोबायोग्राफी में किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है ऑटोबायोग्राफी में? नहीं ना, आगे हम लोग चलते हैं इसे नेक्स्ट। चलो एक सेकंड और। ऑटोबायोग्राफी किनको बोलेंगे? द स्टोरी विच इज रिटन बाय सेल्फ अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, वो क्या कहलाएगा? ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। और ऑटोबायोग्राफी जो है कितने वर्ड्स आए हुए हैं? तीन वर्ड्स आए हुए हैं। कौन कौन? फर्स्ट वर्ड क्या है? ऑटो। सेकेंड वर्ड क्या है तुम्हारा? बायो। एंड थर्ड वर्ड क्या है तुम्हारा? ग्राफी। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। ग्राफी मतलब क्या होता है? राइटिंग। जो अपने लाइफ को खुद से राइट डाउन करे, खुद से लिखे, उनको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑटोबायोग्राफी। द बुक विच इज रिटन बाय इटसेल्फ अबाउट हिम और हर लाइफ इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो कौन सा वर्ड है तुम्हारा? ऑफ। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ग्रेट मतलब क्या होता है? महान। ओके, इट इज एडजेक्टिव। जस्ट राइट डाउन ग्रेट। वट इज ग्रेट हेयर? ग्रेट इज एडजेक्टिव। ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव है। मतलब क्या होता है इनका? महान। ओके, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? इंडियन बास्टर्ड। इंडियन बास्टर्ड क्या है तुम्हारा? ये पक्षी है। क्लियर है? पक्षी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, जो कि राजस्थान में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। क्लियर है? मणिपुर में भी पाया जाता है इंडियन बस्टर्ड। अब देखो, यदि तुमको बोला जाए कि चलो इनको क्या करो, एनालिसिस करो, तो एनालिसिस में मैंने बताया था क्या, एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं हम लोग? सेंटेंस करते हैं। क्लियर है? और क्लाउज करते हैं, फ्रेज करते हैं, और टेंस पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है ये। तो अभी देखो तुमको यहाँ पे क्या करना है, एनालिसिस में क्या करना है, इसमें से तुमको क्या फाइंड आउट करना है, क्या ये जो लिखा हुआ है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्या ये सेंटेंस है, क्या ये फ्रेज है, क्या ये क्लाउज है? क्लियर है? ये क्या? ओके ओके, कोई बात नहीं, सुनो पहले। देखो ये ऑटोबायोग्राफी जो है क्या है तुम्हारा? ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्या तुम्हारा? मैंने क्या बताया था सेंटेंस में, मैंने क्या तुम लोगों को बताया था? सेंटेंस हम लोग किनको बोलेंगे? जब क्या हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, कंप्लीमेंट हो और ऑब्जेक्ट हो, और ये सारे मिलकर क्या देता हो हमें? एक कंप्लीट सेंस देता हो कि हमें क्या करना है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन क्लाउज क्या होता है वहां पे? क्लाउज क्या करता है वहां पे? उनके पास क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा। वो सिर्फ क्या करेगा? किसी और इंडिकेट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा किसी चीज को, और दूसरा सेंस जो है वो किसी दूसरे सेंटेंस में, दूसरे क्लाउज में छुपा होगा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाउज बोलते हैं। क्लियर है? क्लाउज दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लाउज, ये समय आगे बताऊंगा। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? फ्रेज। फ्रेज किनको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ये। क्लियर है? और ये कोई सेंस नहीं देता, ये बस क्या करता है? ये कुछ मीनिंग देता है। क्लियर? जैसे यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्या है तुम्हारा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ऑटोबायोग्राफी क्या है? ये ग्रुप वर्ड्स है। ऑफ क्या है? ये भी वर्ड्स है। ए क्या है? ये भी वर्ड्स है। ग्रेट क्या है? ये भी एक वर्ड्स है। इंडियन क्या है? ये भी एक वर्ड्स है। बस्टर्ड क्या है? ये भी एक वर्ड्स है। ये क्या हो गया तुम्हारा? ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, इसलिए ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? फ्रेज कहलाएगा। क्लियर है? ये टोटल्स क्या हो जाएगा तुम्हारा? फ्रेज हो जाएगा। राइट डाउन करो। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा इसका? फ्रेज हो जाएगा। ओके, जस्ट राइट डाउन। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, यदि आवाज कट कट कर आ रही है तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। ओके, कोई बात नहीं, यदि कट के आ रही है तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इनको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। क्लियर है? और वहां पर से तुम जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे डाल दूंगा और तुमको लिंक शेयर कर दूंगा। चलो लिखो इतना पहले, जो दिख रहा है उतना राइट डाउन करो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स है? नहीं है? अब चलो हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक को रीड आउट करते हैं। ओके, वन बाय वन टेक्स्ट बुक को रीड आउट करेगा। क्लियर है? जिनको आवाज आ रही है आवाज सुनो, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। ओके, देखो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? 1.3 ऑटोबायोग्राफी ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर आई एम गोइंग टू रीड आउट द फर्स्ट स्टेंजा। Which is the heaviest flying bird in India?
यहाँ पे देखो, पहला जो तुमसे पूछा गया, ये तुमसे क्वेश्चंस पूछा गया, विच इज द हैवीस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन इंडिया, कौन सा ऐसा जानवर है जो सबसे वजनदार है, जिनका वजन क्या हो, ज्यादा हो, और वो क्या करता हो, फ्लाई करता हो इंडिया में, वैसा कौन सा जानवर है, पक्षी है, उनका तुमको क्या करना है, नाम बताना। बर्ड्स बोला है तो इसका मतलब पक्षी पूछा है तुमसे। वेल फ्रेंड्स इट इज मी, वो क्या बोलता है, हाँ फ्रेंड्स अच्छा है, वो कौन हो, मैं, इट इज मी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिनका नाम क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। क्लियर, आई फील प्राउड टू बी नाउन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम इन वेरियस इंडियन लैंग्वेज। ओके, आई फील प्राउड टू बी नाउन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं क्या करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ, मैं गौरवान्वित होता हूँ, कब, जब मुझे लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स, और क्या बोल रहे हैं, मेरे पास क्या है, 30 नए अलग अलग प्रकार के नाम हैं जो कि भारतीय लैंग्वेज में यूज किया जाता है, इन मराठी आई एम नॉन एज मलढोक, और मराठी में मैं क्या जाना चाहता हूँ, मलढोक के नाम से जाना चाहता हूँ, या फिर होम, आई कैन वेट अप 18 किलोज एंड कैन स्टैंड अप 4 फीट इन हाइट, मेरा वेट जो है कितना हो सकता है 18 केजी का, एंड और मैं ऊंचा कितना हो सकता हूँ 4 फीट का। क्लियर है, रीचिंग अप टू द टू योर सोल्जर्स और इवन हायर, आई हैव गॉट ए लॉन्ग वीक नेक, ब्राउन विंग्स, टॉल येलो लेग्स एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड। क्या हो रहा है, मेरी हाइट इतनी है कि मैं क्या हो सकता हूँ, तुम्हारे सोल्जर्स तक पहुँच सकता हूँ, हो सकता है कि तुम्हारे सोल्जर से भी मैं ज़्यादा लंबा हूँ। क्लियर है, आई हैव गॉट ए लॉन्ग वीक वाइट नेक, और मेरे पास जो है क्या है, एक लंबी सी वाइट नेक है, ब्राउन क्या है मेरा, विंग्स है, विंग्स मतलब पंख है, टॉल येलो लेग्स, और मेरा पैर जो है उनका कलर किस प्रकार से है, लंबा है, और कलर क्या है उनका, येलो है, एंड ए ब्लैक कैप ऑन माई हेड, और मेरे हेड पे जो है कौन सा कैप है, ब्लैक कैप है। क्लियर है, माई वाइफ मिसेस बास्टर्ड इज स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम एंड हर नेक इज नॉट वाइट। क्या बोल रहा है, मेरी वाइफ, मेरी जो पत्नी है, जो मिसेस बस्टर्ड है, उनका जो शरीर है वो कैसा है, स्मॉलर है, वो ज़्यादा ऊंची नहीं है, उनकी साइज क्या है, स्मॉलर है, और शरीर ज़्यादा मोटा नहीं है, वो कैसा, स्लिमर है, जिनको हम लोग जीरो फिगर बोलते हैं आजकल, वो क्या स्लिमर है, यानी पतले दुबले हैं, देन आई एम, मेरे अपेक्षा, मेरे कंपेरिजन में, एंड हर नेक इज नॉट वाइट, और उनका नेक जो है, गर्दन जो है वो वाइट नहीं है, बट आई हैव हेयर ह्यूमन सीज डेट वे बोथ लुक इम्प्रेसिव, लेकिन मैंने सुना है मानव जातियों से क्या, कि डेट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव, हम दोनों जो हैं, मैं और मेरे मिसेस बस्टर्ड क्या है, देखने में इम्प्रेसिव है, बहुत ही आकर्षण है, क्या अट्रैक्टिव है। क्लियर है, इम्प्रेसिव मीन्स अट्रैक्टिव। नेक्स्ट, I live on grassland and deserts along with my other friends, including chinkara, blackbug and larks. Okay, I eat everything, including snakes, lizards, small fruits and berries and all sorts of insects. That is a very healthy habit. But grasshopper and beetles are my favorite foods. यहाँ पे जो है ग्रेट बस्टर्ड क्या बोलते हैं, अपने बारे में बताते हैं क्या, कि मैं जो रहता हूँ, मैं कहाँ पे रहता हूँ, ग्रासलैंड पे रहता हूँ, डेजर्ट में रहता हूँ, किनके साथ रहता हूँ, मैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ रहता हूँ, और दूसरे दोस्त मेरे कौन कौन है, चिंकारा है, ब्लैक बग है, और लॉक्स है। आई ईट एवरी थिंग्स इंक्लूडिंग स्नैक्स, और क्या बोलता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्या बोलता है, मैं क्या करता हूँ, हर चीज को खाता हूँ, जैसे कि स्नैक्स, सांप, लिजार्ड, छिपकली, स्मॉल फ्रूट्स, छोटे जो फल हैं उनको, बेरीज, बेरी को खाता हूँ, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट, और जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उन सारे चीज को मैं क्या करता हूँ, खाता हूँ। दैट इज अ वेरी हेल्दी हैबिट, ओके, बट ग्रास होपर एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स,
और लेकिन मेरी जो फेवरेट्स आइटम है वो कौन है, किनको मैं खाना पसंद करता हूँ, ग्रास होपर्स को और बेटल्स को। वो जो है ग्रास होपर और बेटल्स जो है मेरा क्या है, फेवरेट्स फूड है। व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग वी ऑल गेदर्स एट आवर फेवरेट ग्रास लैंड्स वेयर देयर आर नो पीपल्स टू डिस्टर्ब अस। उनके बाद क्या बोलता है, जब बारिश स्टार्ट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे क्या है भाई बंधु जो भी हमारे प्रजाति के कास्ट के हैं वो क्या करते हैं, एक जगह जो हमारा फेवरेट ग्रास लैंड है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एकत्रित होते हैं, जहां पर कोई भी इंसान न जाता हो, जिनसे हम लोग ह्यूमन बींग्स से हम लोग डिस्टर्ब ना हो सके। आई परफॉर्म ए वंडरफुल डांस बाय गॉब्लिंग एयर इन द स्पेशल फीदरी पाउच अटैच्ड बिलो माय नेक। और वहां पे हम लोग जमा होकर क्या करते हैं, मैं वहां पे क्या करता हूँ, डांस करता हूँ, नाचता हूँ एक नए अंदाज में, क्लियर है, अपने गर्दन को घुमाता हूँ, फेदरे को फैलाता हूँ हवा में और अपने नाक गर्दन को क्या करता हूँ, घुमाता हूँ। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं। ओके, दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस ए रेजोनेटिंग साउंड सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्न। और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेटिंग साउंड्स यानी कि मुंह से हम लोग क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं जो कि गाय के द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो साउंड है उनके जैसा ही होता है। क्लियर है, काऊ कैसे बोलता है हूं, इस प्रकार से साउंड निकालता हूं हूं, तो उसी प्रकार से जो है ग्रेट इंडियन बस्टर जो है वो भी क्या करते हैं, साउंड करते हैं जब वो क्या करते हैं रेनी सीजन में डांस करते हैं। आई डांस इन जॉय विद बब्ड पब्ड आउट फेदर्स एंड कुक्ड अप टेल्स एंड ड्रॉप डाउन विंग्स। और जब मैं क्या करता हूँ, डांस करता हूँ, आई डांस इंजॉय विथ पब्ड, पब्ड के साथ और फेदर को फैला के मैं क्या करता हूँ, डांस करता हूँ। ओके, कुक्ड अप टेल एंड ड्रॉप डाउन विंग्स, और मैं कभी अपने पंख को ऊपर करता हूँ, नीचे करता हूँ, इस प्रकार से इट फील्स मी टू इम्प्रेस माई सॉलमेट। और ये जो है मुझे क्या कर देता है, एक चांस देता है अपने सोलमेट यानी कि अपने जीवन साथी जो है उनको क्या करने का, इम्प्रेस करने का। इसका मतलब वो किनको इम्प्रेस करता है डांस करके, मिसेस बस्टर जो है उनको वो क्या करता है, इम्प्रेस करता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, यू नो डैट वी बर्ड्स ले एग्स एंड आवर यंग वंस हैच आउट एग्स। मदर ग्रेट इंडियन बस्टर लेज जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड, वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट। देखो उनके बाद क्या बोल रहा है, यू नो डैट वी बर्ड्स ले, कि तुम लोग जानते हो क्या, हम चिड़िया जो है क्या देते हैं अपने बच्चे को, किस प्रकार से जन्म देते हैं, एक के थ्रू क्या करते हैं, जन्म देते हैं। क्लियर है, और जब वो हमारे जो बच्चे हैं जन्म होते हैं तो वो क्या करते हैं, अंडे को फोड़ कर बाहर आते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हैच आउट्स बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ले जस्ट वन एग, जो मिसेस बस्टर्ड होती है वो कितने एक 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 साथ देती है, वो एक एग जो है एक साथ देती है। क्लियर है, और वो डाइट कहाँ पे देती है, वो डाइट जमीन पे देती है, ग्राउंड्स पे देती है। और ये क्या बोलते हैं, वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट, और हम लोग जो है घोंसला बनाने में विश्वास नहीं करते हैं। क्लियर है, बट लेकिन वी हैव ए स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आवर एग्स फ्रॉम प्रीडेटर्स, लेकिन हमारे पास क्या है, एक अच्छा सा नया तरीका है जिनसे हम जिनको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, और यूज करके क्या करते हैं, अपने बच्चे को जो है एग्स को जो है बचाते हैं, किनसे, प्रीडेटर से मतलब शिकारी से। क्लियर है, कैसे बचाते हैं, द एग्स लुक्स लाइक ए स्टोन, मोनिटर्स लिजार्ड हॉक्सेस डॉग्स पिग्स स्नेक्स एंड एगल्स आर एनिमीज ऑफ माई एग्स एंड चिक्स। देखो ये क्या बोलते हैं, उनका जो एग्स है वो किस प्रकार से देखने में लगता है, एक स्टोन पत्थर के जैसा दिखने में लगता है, तो उनके दुश्मन कौन कौन बोल रहे हैं, मोनिटर्स लिजार्ड्स छिपकली फॉक्सेस लोमड़ी डॉग्स कुत्ते पिग्स सुअर स्नेक्स सांप्स एगल्स बाज, क्या बोल रहे हैं, ये सारे जानवर जो है पक्षी जो है ये क्या है उनके, ये सारे जानवर जो है और पक्षी जो है ये क्या है, उनके एग्स के अंडे के क्या है, दुश्मन है। क्लियर है, चिक्स बट माई वाइफ प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम, लेकिन मेरी जो पत्नी है मेरी मिसेज बस्टर जो है वो क्या करती है, सारे एग्स को, मेरे एग्स को क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करती है, किस प्रकार से, बाय द टाइम आवर यंग वन हैचेज आउट द एग रेंस राइट
rains arrive, there is a plenty of grass swarms with insect, fresh foods for my family. Young ones of the other birds so on fly away from the nest, but a great Indian bustard's mother and chick stay together for nearly 1 year. The chicks learn many good habits from the mother. देखो उनके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्या करते हैं हम लोग, किस प्रकार से अपने एग्स को जो ग्रेट मिसेज बस्टर्ड है वो प्रोटेक्ट करती है, वो क्या करती है जब एग डालती है वो किस इलाके में डालती है जहां पे कोई भी इंसान आता जाता नहीं है और वहां पे क्या हो ग्रास हो। मैंने शुरू में ही बताया वो लोग डांस करने के लिए कहां पे जाते हैं, ग्रास लैंड पे जाते हैं जहां पे वो रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है जब एग डालता है तो वो क्या करते हैं जो मिसेज बस्टर्ड होती है वो उनके साथ रहती है, क्लियर है। और ये जो नेक्स्ट रेनी सीजन का क्या करता है वेट करता है, नेक्स्ट रेनी सीजन जब आता है तो वो क्या करता है जो अंडे से जब बच्चे निकलते हैं तो बच्चे निकलते हैं तो उनको क्या करता है मिसेस बस्टर्ड जो होती है वो उनको जंगल क्या होता है बड़ा बड़ा होता है तो वहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। और वहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है इंसेक्ट होता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनको वो क्या करती है ग्रेट मिसेस इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्या करती है खाती है उनको, और अपने बच्चे को जो है उनको भी खाने के लिए सिखाती है। जब वो खाने के लिए सीख लेता है उनको अच्छे से नॉलेज देता है, अच्छा डिसिप्लिन देता है किस प्रकार से चलना है, कैसे शिकार करना है, किस प्रकार से उड़ना है, जब वो सारी चीज को सिखा देता है तब उनके बाद क्या करता है वो जो छोटे बच्चे चीक है वो क्या करना चालू कर देता है फ्लाई करना चालू कर देता है आफ्टर नियरली 1 ईयर, 1 साल के बाद। द चिक्स लर्न्स मैनी गुड हैबिट्स फ्रॉम मदर्स, और जो चिक्स है बस्टर्ड के बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं चिक्स बोलते हैं जब वो एग से बाहर आता है, तो क्लियर है। तो वो क्या करते हैं बहुत से अच्छे गुण जो है वो अपनी माँ से सीख कर आती है। ओके आज तक इतना है, यहाँ तक के लिए थैंक यू। कीप योर स्टडी रीडिंग कीप योर रीडिंग कंटिन्यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस। ओके।